सड़क जा रही भाई पूरी टपम टप। नजारे रे नहर में नीचे उतरना बनना होना सख्त माने अपन। देखो कितना जबरदस्त सिस्टम तो भाई ये है प्रकृति के नजारे जब भी आप धातुपुर आए तो। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई सवेर के 5:15 बज रहे और आवाज़ भी देख लो भाई सुंदर ही उठा था। अरे भाई लेकर जान लग रहे भाई अपना साइकिल करके भाई की एक की वेट हो रही वो आने लग रहा तो साइकिल पर ड्राइव करके जाएंगे भाई। थोड़ा सा अंधेर हो रहा है इस टाइम भाई बस चलने की तैयारी है। तो मेरी तो ठैकल इस दिखा सुपने में ही दिखा गया आज गुड मॉर्निंग कुछ राम राम कुछ तो कह दे। तो भाई निकलने की तैयारी है यहाँ पे और गांव में तो निकलने लग रहे हैं। और भाई ये सवेर का मौसम क्या जबरदस्त हो रहा है भाई और जहाँ पर जान लग रहे भाई वहाँ तो इतने भी ज्यादा जबरदस्त होगा। और भाई हमारे घर से जो दादूपुर है ना वो लगभग 6 किलोमीटर पड़ता होगा 6 किलोमीटर पड़ा भाई मेरी सवेर का टाइम भाई जिस टाइम हम उठाना तो बापुर तो घूम कर दिया गया और भाई घास लेने चले गए खेतों में। जो जाने का प्रोग्राम है जहाँ पर हम जा रहे हैं वो जा रहे भाई दादूपुर। हम बड़ा ही ब्यूटीफुल प्लेस है भाई तो सवेर का नजारा दिखाएंगे था ते भाई ये दिमाग जाएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐगी गास की तैयारी करा किस टाइम सोया था तो दादूपुर ना भाई पहले अपना 60 दरों के नाम से भी आपने इसका नाम जरूर सुने होगा। वहाँ पर वैसे पहले 60 दरवाजे थे भाई जिनमें ना पानी निकल का जावा था और जावा था कुछ अपना जमुना में मिल जाता भाई और कुछ ये जो नहर है जरी इधर यमुना नहर होगी भाई वो यहीं से निकला। तो भाई देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुँचने में और वहाँ का सुंदर नजारा दिखाएंगे भाई तुमने क्या जबरदस्त हो। और संडे के दिन तो मोस्टली यमुना नगर से भी बहुत बंदे आओ भाई चल कर और जो भाई कोरोना टाइम की बात करें ना तो बहुत बंदे यहाँ पर आवा थे उस टाइम तो साइकिलों की पूरी लाइन लगी रहा थी भाई। 2 किलोमीटर चल गए थारे भाई और पहुँच गए भाई खारवण गाँव में। और सड़क की बात करें भाई क्या कहा मित्र सड़क के बारे में नंबर वन है भाई हरियाणा नंबर वन और सड़क भी नंबर वन है बीजेपी का कट्टर समर्थक है भाई। और भाई गमों की भी बात करें ना तो सवेर का टाइम पहले तो दिखा दी बहुत भुग्गे झोटे ये तो बहुत कम रह गए। अरे ये भी जो भुग्गे झोटे है ना कोई रेत रूत ओले लगा भाई रेत डोरे होंगे भाई। खारवण गांव की बात करें ना तो बहुत बड़ा गांव है भोलेनाथ जी की जय हो। 3-4 किलोमीटर चलिए 4 किलोमीटर चलने पाया गया भगवान पर। और ग्रीनरी देखियो भाई जैसा जैसा आगे बढ़ते जाएंगे ना ग्रीनरी और वेदर को तो आप फील नहीं कर सकते बट हम फील करांगे भाई अपना वेदर में भी बहुत फर्क है भाई ठंडा बिल्कुल। दोपहर पहुंचने पर भाई देखेंगे पानी का स्तर कितना है कितना पानी आ रहा सड़क दे रही भाई पूरी टपम टाप बिल्कुल पैडल मारते जाओ खड्डा तो कोई एक सिंगल भी नहीं है। मेरी साइकिल चल रही भारी और अमित कुमार की साइकिल चल रही है हल्की गोली ग्रीस या चेक करवाएंगे भाई साइकिल ना ये तो रुक ही नहीं रहा गप्पा क्या जा रहा है बिल्कुल कुछ और तो रखाया। ये आगे देखो भाई और ये पीछे देखो कोई ट्रैफिक नहीं कुछ नहीं इस टाइम क्योंकि सवेर सवेर का टाइम है नाले खेत है दादूपुर जा रहे हरियाली है और नाले भाई अपना ट्यूबवेल पर पानी चल रहा है नहाना चाहते हो तो नह लो गर्म गा तो रहे भाई इस टाइम तो नहाने का तो कोई फायदा नहीं है जो दोपहर का टाइम होता ना तो नह का जरूर जाते भाई पक्का। आगे का सीन देखोगे ना ऑसम ये देखो भाई बिना पानी के नहर हमने कभी भी पानी देखा भाई और टूटा भी यही है ना पानी कभी नहीं होता समारे टूटेगी भी भाई यही दादूपुर नल भी। और आगे का सीन भाई और भी खूबसूरत आगा और इधर जो दाहिने हाथ आप देख रहे जंगल है भाई ये तो छोटा मोटा है और यहाँ की ग्रीनरी स्पीचलेस है भाई इस टाइम तो लगभग भाई दादूपुर पहुंचने वाले यार बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे से पेड़ अपना दिख रहे होंगे बड़ का पेड़ है भाई वैसे तो कहीं देखने ना मिलते। और यहाँ पर आके भाई बंदर भी बहुत मिलेंगे आपको तो आप सवेर सवेर का टाइम है भाई देखेंगे हम भी कई दिनों बाद है सवेर के टाइम तो लगभग गर्मियों में आना हुआ देखेंगे आपका बंदर मिलेंगे ना मिलेंगे पर आप ये नजारा जरूर देखो भाई इसे ना छोड़ दियो। अरे देखो भाई कितने पुराने पेड़ होंगे बरगद का है ना योड़ टेम्परेचर में भी फर्क है भाई वही बात नहीं मार रहे रैली में फील कर रहे तब आपको बता रहे ये क्या बंदर क्या है राम राम जी। और यो रास्ता देख रहे भाई आप मेरे दाहिने साइड जा रहे हैं यो जा रहे अपना छचरौली छचरौली जा रहे ताऊ छचरौली जा रहे भाई। और यो क्या है मित्तू डैम है भाई बिजली बना। और फाइनली भाई लगभग 6 किलोमीटर का सफर तय करने पर पहुंच गए दादूपुर। आप सें सें की बात सुन रहे ना पर जब मैं चुपूंगा भाई जी भी सुनेंगे आप भी तो मैं थोड़ी देर चुप हो जाऊं। और ब्यूटीफुल प्लेस भाई यमुना नगर में जबरदस्त प्लेस है इससे बड़ा अच्छा सुंदर प्लेस तो कोई नहीं होगा मैं सोचता हूँ भाई।
नजारे रे, एक नंबर भाई पार्क है भाई। जैसे आप यहाँ पहुंचोगे, नहर में नीचे उतरना पड़ना होना सख्त माना है, पानी किसी भी समय छोड़ा जा सकता है। साइकिल अंदर लेकर जाओगे भाई, रखते दिखाओगे, रुक जा गिर रजिए पर। एक जबरदस्त चीज आपने दिखाने लग रहे भाई, अंग्रेजों के टाइम की है भाई, लॉर्ड विलियम्स ने बनाया था, मजाक कर रहा भाई। तो ये देखो कितना जबरदस्त सिस्टम बना रखा भाई, पानी का बहाव आ रहा और इस पर ये टकरा रहा, टकराएगा पानी इस पर जाएगा और पाइप पर गिर रहा, पाइप से गिरने के बाद भाई सीधा रहा नीचे, रिश्ते दिया जावा पार्क में पानी है ना जबरदस्त। ये देखो पानी का बहाव इस टाइम कितना तेज है, और अभी तो कम है मैं कह सकता हूँ भाई कि अभी गर्मी है, बारिश स्टार्ट नहीं हुई, जब बारिश होगी ना भाई तब दिखाओगे अपना पानी, तब भी लेकर आओगे। या छोटी मोटी सी कैंटीन जो आपने दिख रही हो इस टाइम तो बंद है भाई, सवेरे उठे भी होंगे खराटे मार का सो रहे होंगे भाई तो बड़े। और इधरली साइड की बात करा इधर तो कतई ला भाई, इंगा तो दिखा बिजली भाग रही, इंगा कोई पानी पुनी नहीं है इस टाइम सुनसान। यहाँ पर है भाई एक छोटा सा पार्क भी, जिम पार्क बन रहा इसी पार्क में, तो आगे है वहाँ भी दिखाओगे अपना। साइकिल खड़ी कर दी भाई अपना, वहाँ पैदल ही चला ना। तो अब जो मैं नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाने लग रहा है ना भाई, जो सीन है अगला कुछ खास ही है, जबरदस्ती है, जिसे देखने के लिए दादू पर भाई मोस्टली बंदे आ हुआ, तो वो है इस पानी के बहाव का इस रड़कान से होते हुए नीचे जाना भाई, और आगे उन पत्थरों से टकराना, वो आ जाएगा आपको दिखाऊंगा भाई यार। ओहो, और पानी की गति देखो भाई इस टाइम, आ जा आ जा। ऐसे उसूल है भाई, घूमना चाहते हो जो आप यमुना नगर या इसके आस पास एरिया से हो तो यहाँ पर जरूर आए और देखे भाई, सीन अल्टीमेट है भाई। अरे भाई जो मानसून के टाइम है, बारिशों के टाइम में हुआ ना, तो ये पानी जो ऊपर उठ रहा है ना, वो उठ का गिरा भाई सीधा पैरों में, यहाँ पर तो पूरा भीग गया उस टाइम। और यार रही पार्क जिम, देखो कितनी भीड़ है इस टाइम पार्क जिम में, लोगों में इतने जागरूक है भाई अपने स्वास्थ्य ने लेकर, पूरा नंबर नहीं आ रहा बंदों भाई। लास्ट पॉइंट यहाँ का आने का, पहले हम यहाँ भी बैठे हैं ना, पानी कम था और यहाँ भी बैठ कर जमा थे। जो सामने अपना वो मिट्टी सी ऊंची ही दिख रही ना ढेर, वो बनने लग रहा है यहाँ पे पुल, क्या यहाँ पर योगा मंच। देखो बियर पी का किसी ना, यही फोड़ का देखिए, बचपन में ना बहुत टाइम पहले तो इस टाने पर चढ़े था, तेरे याद है भाई, जाम ना लग रही थी इस बार, यो टाना था वो कट गया, अब तो यो टाना रहता यहाँ इस टाइम तो मैं भाई पानी नहीं है, अरे यहाँ आते जाएगा जाम ना तोड़ा था, इतना शरारती बच्चा था भाई पहले, यो देख ले भाई ऊपर यहाँ बैठा रहा था, नीचे पानी कितना खतरनाक था, इब चला जाएगा भाई, ब्याह हो गया बच्चे हो गए कहाँ भी और फर्क हो, तो माँ बाप भाई उस टाइम समझाओ, उस टाइम तो हम समझ देने, वो अजीब चीज आगे पड़ा ना एज के अकॉर्डिंग सब समझ दे चल गए ना। तो पक्का कुछ ना कुछ खा गया है, पूरा टोनी के लिए रह गया, साइकिल भी भाई पूरी पेलो ले गया यार, देखिए यहाँ भी आएगा छन्नी नहीं दे रहा। तो भाई एक बंदे को सिर्फ स्वास्थ्य का फिक्र है अपने यार, यो कर रहा जिम, अच्छा मोबाइल चला रहा भाई, तो जिम करना यार, घंटा लगाने के बाद अभी यहाँ से जाने की तैयारी होने लग रही है। और यहाँ पर इस टाइम योगा के भी काफी बंदे है, ये बाहर बाइकों के इस टाइम, तो भाई जैसे जैसे सूरज निकलता जा रहा और बंदे बढ़ते जा रहे, सूर्य देवता भी अपना रंग दिखा रहे पूरा। तो भाई ये है इस टाइम सवेर का टाइम यहाँ पर दादूपुर में, ना शाम के टाइम भी लेकर आएंगे भाई, शाम के टाइम और ज्यादा रंगीन मौसम हुआ भाई यहाँ। और इधरली साइड भी आपने दिखाया था कि कितना पानी और जबरदस्त, और ये छोटा सा पुल भाई पहले ओन दो होगा, हमने तो देखा नहीं कभी, पर इतना चल का दूसरी साइड चले जाऊँ क्रॉस करता थे, टूटा हुआ था बीच में, देखो नियंत्रण कर्मचारी विश्राम कक्ष भाई, दूसरी साइड लेकर जाने लग रहे हैं अपने दादूपुर की। तो भाई अब आ गया, ये देखो पानी का लेवल यहाँ पर, ये जो अगला सीन है भाई, ये थे पहले यहाँ पर 60 धरे, अब 60 तो नहीं रहे, बना दिया नए स्टाइल का भाई पुल यहाँ पर। ये जो इधर आप देख रहे भाई, ये पानी जावा सीधा, जो भी एक्सेस हुआ तो सीधा जमना में ला भाई, घूमते घूमते आगे दूसरे साइड में, और यहाँ पर हम हमारे जैसे अमितर जैसे शरारती तत्व तो भी भाई शाम के टाइम असामाजिक बुराइयां है। दूसरी साइड बात करा भाई, वो स्पीड भी आपको दिख रहे हो उधर सामने, वहाँ भी आपको लेकर जाएंगे शाम के टाइम लेकर आएंगे। बांग दे दी और मारे बंदे तो भी सो रहे, उठ तो नहीं रहे। हाँ जी हाँ सुन लिया भाई, काट दे तो नहीं ताऊ, ठूंगा तो नहीं मारने के। तो भाई ये है प्रकृति के नजारे, जब भी आप दादूपुर आए तो भाई, इतनी बार आए हम दादूपुर में तो इस मंदिर में भाई आने का पहली बार सुबह क्या प्राप्त हुआ भाई। तो भाई ये था आज के एक छोटी सी वीडियो दादूपुर का, आपने व्यू दिखाया भाई, जो आप भी यमुना नगर से हो या कहीं बाहर से भी हो भाई यमुना नगर में आ रहे हो तो एक बार दादूपुर जरूर आए भाई घूमने के लिए,
बड़ा मजा आगा भाई आपने। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। ओके बाय बाय। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आवेंगे ना तो आपके यहाँ की जलेबी भी खिलाएंगे भाई। इस टाइम तो सवेर सवेर का टाइम है और इस नलके की विशेषता भी बताएंगे भाई। आ जा मेरे पीछे आ जा तो वो भी तो जा रहे आगे चले आ।